This movie is encoded by Dr. Star. गेंदबाज लगातार बैट्समैन को पूछ ली है, बल्लेबाज एकाग्र भंग करने की कोशिश। हाँ, ये तेज गेंदबाजी है और वो जरूर उस पर आजमाने वाले हैं। ओ, अच्छी बात। शॉर्ट पेच सीधी मदन पर, काफी तेज गेंद थी। मेरा अंदाजा है कि ये भी सीधी जबड़ों पर होगी। बिल्कुल सही, बहुत ही उम्दा, आक्रामक और खतरनाक गेंद थी। गेंदबाज पवेलियन छोर से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए विकेटों के करीब पहुंचे, अंपायर के पास क्या उछाल लिया और ये दाएं हाथ से शॉट से गेंद बाल बाल बच्चे बल्लेबाज। ओह, फिर से नाक के करीब से निकली आग उगलती रफ्तार के साथ। ओ, गेंद उठी झुक के बचे जैसे लहराती हुई नागिन। अचानक वेस्ट इंडियंस ने खेल का रुख ही बदल दिया। शानदार गेंद। वेस्ट इंडियंस को अंदाजा है उनका विजय रथ चालू है। अपनी निगाहें गेंद पर रखी लगातार देखते रहना है। देखते रहिए, देखते रहिए। ओह, गेंद सीधी मुंह पर। काफी दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक। काफी दर्दनाक है। मुझे अक्सर ताज्जुब होता है कि उन्होंने सुरक्षा के सारे साजो सामान क्यों नहीं पहने थे। चाहे आप वेस्ट इंडीज से हो या अंग्रेज, ये ठीक नहीं है। क्रिकेट में ये सही नहीं माना जा सकता। जो भी नकारात्मक बातें कही गई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम खेल को खराब कर रहे हैं, हम मारने के लिए निशाना लगा रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर। मैं जिंदगी ऐसे ही जीता हूँ, आप लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। हमारा एक ही लक्ष्य था, हमें खुद पर पूरा भरोसा था, हमें यकीन था कि हम सब की तरह हैं, हम किसी से कम नहीं। प्यार और जंग में सब जायज है। आप समझिए, मेरे लिए ये जरूरी था कि एक भरोसा कायम हो। आम लोग इसे अंजाम नहीं दे सकते थे, ये कुछ खास लोगों की टोली थी जो ऐसा सोचते थे, जिन्हें ये खास एहसास था। ये एक जबरदस्त मिश्रण था। आप अश्वेत लड़कों के ग्रुप की बात कर रहे थे जो सफल हो रहा था एक लंबे अरसे तक। ये लोगों की सोच से भी परे था। उससे पहले की टीमें अंग्रेजों से दबती थीं, वो सुनती थीं कि अंग्रेज उनके खेल के बारे में क्या कह रहे हैं। हमें दहशतगर्द कहा गया और ये सच है, कोई डीन नहीं। वेस्ट इंडीज एक दिल दहलाने वाली बॉलिंग टीम है। ये एक इलाके की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये नुमाइंदगी क्रिकेट खेलने से कहीं ज्यादा अहम थी। ये मामला था अपने मूल्य के एहसास का। हम खेल रहे थे अपने लोगों में गर्व का एहसास लाने के लिए। हम वेस्ट इंडीज की आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊंचाइयां तय कर रहे थे। जिस तरह का माहौल आपको बना सकता है या मिटा सकता है, फैसला आपके हाथों में है कि आप क्या चाहते हैं। हमने सोचा कि वो दिन आएगा जब हम सारी दुनिया को हरा देंगे। वेस्ट इंडीज को सबसे महान क्रिकेटर मिल गया था। हम कैरेबियन लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि बैट कैसे पकड़ें और बॉल कैसे पकड़ें। क्रिकेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। हमने क्रिकेट खेला क्रिकेट की शान के लिए। ए, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, उस कुत्ते को चक्कर लगाने दो, छेड़ो मत उसे, मैंने कहा ना उसे मत छेड़ो, खेलने दो उसे, बस थपथपाओ उसे, गुड। तुम उसे नहीं छोड़ोगे ना तो मैं आके तुम्हें मारूंगा, जाओ यहाँ से। ऐसा ही उत्साह था जमैका के सभी लोगों में क्रिकेट के लिए। लोगों को सूरज की रोशनी में नहाए कैरेबियन आइलैंड्स जन्नत जैसे लगते हैं। सब कुछ हमेशा ऐसा शांत नहीं था। हमारे संघर्ष का लंबा और दर्दनाक इतिहास है बेबीलोन को दबाने और नकारने वाली ताकतों के खिलाफ, और सिर्फ क्रिकेट के जरिए हम अपनी आजादी जीत सकते थे।
60 का दशक और खास तौर से 70 के दशक में पूरे कैरेबियन में इंकलाब का वक्त था, जिसमें उस दौर के मिजाज की और चाल ढाल की झलक दिखाई थी। काले लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं था, होना और नहीं होने के बीच का फर्क था। गोरा मतलब होना और काला मतलब नहीं होना तब भी चलता था। अमेरिका की तरह कैरिबियन में भी अश्वेत शक्तियां उभर रही थीं, जो बहुत हद तक उस कायापलट का हिस्सा थी। ये शक्तियां वेस्ट इंडियन लोगों में अपनी शक्ति, ताकत, आत्मसम्मान और गौरव के एहसास का बोध करा रही थी। मैं इतिहास पढ़ाता था। इंकलाब की दुनिया से जुड़ा हुआ एक युवा अध्यापक, मेरा बड़ा नजदीकी रिश्ता कायम हुआ विव के साथ। उस दौर में बहुत सारे नौजवान ब्लैक पावर फिलॉसफी में खासी दिलचस्पी रखते थे, जिन लोगों की चर्चा थी विव भी उसमें शामिल थे। ये वो जमाना था जब माहौल गर्म था और वक्त था जागने का, उठ खड़े होने का, क्योंकि कुछ चीजें जो आप सोच रहे हैं वो सारी दुनिया में हो रही थी। हम अश्वेत लोगों के लिए एक सफर था जिसकी शुरुआत होनी थी अफ्रीका से। कैरेबियन लोग यहाँ उपनिवेशवाद के जरिए लाए गए थे, जिनसे छीन ली गई थी उनकी जड़ें, इच्छाएं, संस्कृति और बहादुरी, जिन्हें कोड़ों से पीट पीट कर यहाँ पहुँचाया था, सिखा पढ़ा के ढाल के उन्हें बनाया गया था गुलाम। जरूर तुम पुरखों के बचे खुचे टुकड़े हो, ये सब तुम्हारे खून में है। ये उस वक्त का इतिहास है जिसे भूलना नहीं चाहिए। क्रिकेट खुद भी लोगों को गुलाम बनाने का जरिया था। इसे गुलामों को सही अंग्रेजी रंगढंग सिखाने और डिसिप्लिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी भी काले को। और यहाँ कुछ पुराने गुलाम थे जो उस चीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके अंग्रेज मालिक लाए थे। हमें एक रास्ते पर चलना था और वो रास्ता था भगवान का दिया हुआ क्रिकेट खेलने का हुनर। हमें दिखाना था कि हम उनके बराबर हैं, साबित करना था कि हम उनकी सोच से ज्यादा काम के हैं। कुछ इस तरह की लड़ाई, कुछ इस तरह की जद्दोजहद थी और वो जानते थे कि उन्हें उसको सही करना है जो उनके साथ गलत हुआ है। इंग्लिश सोसाइटी को ये पहचानने में कुछ वक्त लग गया कि अफ्रीकन लोग महसूस कर रहे हैं कि गुलामी और उपनिवेशवाद ने उनसे सब कुछ छीन लिया है और नई पीढ़ी उस गौरव को वापस पाना चाहती है जो उनसे छीन लिया गया था। ये वो समय था जब बड़े कैरेबियन इलाके अपनी आजादी का दावा कर रहे थे। 1962 में जमैका, ट्रिनिदाद, गयाना और बाबाजोस 1966 आजादी मंजिल बन गई थी उस नागरिक अधिकारों के संघर्ष की जो पिछले 100 सालों से चल रहा था। हमारा जन्म उपनिवेशवाद के दौर में हुआ, हमारी परवरिश आजाद माहौल में हुई। हमने अंग्रेजों की तरह नहीं, उन वेस्ट इंडियंस की तरह सोचना शुरू किया जो वेस्ट इंडीज में रह रहे थे। हम गुलामी से बाहर निकल चुके हैं ताकि हम साबित कर सकें कि अब हम गुलाम नहीं हैं। हम दिखाना चाहते थे कि हम एक देश के तौर पर उभर चुके थे। मौजूदा तंत्र में हमें सिर्फ कुछ टुकड़े मिले थे, हमें टुकड़े नहीं अब पूरा हक चाहिए था। वास्तव में ये टीम एक ऐलान थी उन बदलावों का जो कि इस आजाद पीढ़ी के आत्मविश्वास में दिखाई देता था। पीछे नहीं मुड़ना था, क्रिकेट को अगुवाई करनी थी और हमें कल में उतनी तेजी से पहुंचना था जितनी तेजी से पहुंच सकते थे। अपने रंग के आदमी को उस स्तर पर देखना हम लोगों को उत्थान की भावना देता था। वो लोग हीरो थे जो संघर्ष के प्रतीक बने, ये कैरेबियन के संघर्ष का एक हिस्सा था। ये मेरे एहसास को उस तरफ ले गया जहां मैं उस दर्द को पहचान पा रहा था जिससे हमारे भाई और बहन गुजर रहे थे। उनकी लड़ाई हमारी भी लड़ाई थी। क्रिकेट के जरिए हम गोरों को ये रंगभेद हटाने का पैगाम दे सकते थे, उन्हें मैदान में बुरी तरह हराकर, क्रिकेट के मैदान को एक बराबरी का मैदान बनाकर। Cricket, lovely cricket, I thought your eyes saw it. Cricket, lovely cricket, I thought your eyes saw it. We are confident and important on defense.
And get the ball and take one with second West Indies in this one. With those little balls of mine, Ramadine and Palestine. वेस्ट इंडीज कई आइलैंड्स को मिलाकर बना है। सबकी सरकारें अलग हैं, अलग मुद्दों पर सबकी सोच अलग है। ये सारे आइलैंड्स एक साथ आते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के झंडे तले। यही काम हम साथ साथ करते हैं। हम बहुत अलग हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप कैरेबियन घूमने आएंगे। यहाँ बोलचाल अलग है, खान पान अलग है, अलग अलग आइलैंड्स में आपको कई नई चीजों के अनुभव होंगे। इसलिए हमारा खेल, हमारा क्रिकेट हमारे लिए बोलता था। क्रिकेट हर जगह था। वेस्ट इंडीज में जो भी बड़ा हो रहा था वो वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलना चाहता था। आप मीलों चलते जाइए, आपको समुद्र का किनारा ही नजर आएगा जहाँ कोई मैच चल रहा होगा। स्कूल से आते ही बच्चे बल्लेबाजी करने लगते थे और ये सिलसिला चलता था सूरज के डूबने तक। खेल से बाहर आकर एक बार फिर वापस पानी में जाते थे और किसी फिशिंग बोट की मदद करने में लग जाते थे। जब आपकी पकड़ में खाने लायक कुछ आ जाता था तो आप आग पर भूनकर उसे खा लेते थे। सब कुछ मजेदार था। वाह, आप शानदार वक्त बिता रहे थे। दोस्ती और भाईचारा एकदम मुफ्त। हर बार जब कोई गेंद फेंकता था तो वो लैंस गिब्स या वेल्स हॉल या ऐसा ही कोई बन जाता था, और जब वो बल्लेबाजी करता तब सैम वॉर्नर, सर फ्रैंक वॉरेल, सर गैरी सोबर्स, सर एवर्टन वीक्स और ऐसे बहुत सारे नाम। इन लोगों ने उम्मीदें दी। ये लोग मार्गदर्शक थे, हमारी प्रेरणा थे। 1960 तक ये चलन बहुत आम था कि वेस्टइंडीज की टीम का कप्तान हमेशा एक अंग्रेज ही रहे। कैरेबियन लोगों के लिए किसी काले आदमी को कप्तान के तौर पर देखना बड़ा मायने रखता था। ये उम्दा खिलाड़ी दुनिया के इतिहास में हमेशा रहेंगे, मगर वो विनिंग कॉम्बिनेशंस नहीं थे। कई बार प्रतिभा की चिंगारियां और चमक नजर आई, उसके बाद अच्छे प्रदर्शन का अकाल पड़ गया। एक वक्त ऐसा था जब 21 टेस्ट मैच ऐसे आए जिसमें वेस्टइंडीज की टीम को एक भी जीत हासिल नहीं हुई। लोग हमें मस्त मौला खिलाड़ियों की टीम की तरह देखने लगे और इस मस्ती भरी टीम को पुकारते थे कैलिप्सो क्रिकेटर्स। आप कहेंगे कि ये अच्छी ओर इशारा करता है क्योंकि कैलिप्सो बहुत अच्छा संगीत है, लेकिन उसके साथ बुरा इशारा ये भी है क्योंकि आप मजेदार हैं, चमकदार हैं, मगर आपके अंदर जीतने का जौहर नहीं है। ठीक है, आपने दर्शकों का दिल बहलाया मगर आप हार गए। 1961 में जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तब उन्हें मोटरकेड की सलामी दी गई जिसमें मेलबर्न के लाखों लोग शामिल थे। सब चाहते थे कि टीम हारे और वो भी शराफत से। हम मनोरंजक थे पर हम विजेता नहीं थे। उन्हें हमेशा लगा कि हम कभी भी चरमरा जाएंगे और हमारे पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये कैरेबियन में भी महसूस किया गया। लोगों का मानना था वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो जिससे वो बस क्रिकेट खेल सकें, क्योंकि शायद वो और कुछ कर भी नहीं सकते। हम सभी अलग अलग माहौल से आए थे और हमें एक सांचे में ढालना आसान नहीं था। कोई ऐसा चाहिए था जो अलग अलग आइलैंड से आए इन लोगों को एक साथ रख सके, एक धागे में पिरो सके और उनको एक दिशा में ले जाए। कैरेबियन में एक कहावत है, अगर 10 नौजवान एक साथ हों तो ये टीम नहीं कही जाती, ये गिरोह कहलाता है। और ये बुनियादी फर्क भी था। नई पीढ़ी को चाहिए था एक महान कैप्टन। वेस्ट इंडीज की आशा उन्हीं पर टिकी हुई है। क्लाइव लॉयड बहुत शांत व्यक्ति थे, बहुत संजीदा, बहुत कूल, बहुत काम, एक सच्चे विचारक। खिलाड़ी उनकी बात मानते थे और एक लीडर की तरह उनकी इज्जत करते थे। और वो लीडर थे भी, वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, वाकई में थे लीडर। क्लाइव सबकी पहुंच में थे। आप सोचते थे कि वो हैं जिनके साथ मैं खेलना चाहता हूं, मैं इनके साथ मैदान में उतरना चाहता हूं। क्लाइव अपना फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं भूलते थे। उन्होंने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। वो अपने परिवार को खुद पाल रहे थे। क्लाइव पिता समान थे, उन्होंने रास्ता दिखाया, वो सही आदमी थे। 10 साल बड़े जिन्हें कुछ नौजवानों की अगुवाई करनी थी वो उनके सलाहकार बन सकते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी अगुवाई की। उन्होंने एक ख्याल मन में बैठा दिया कि देखो हम मजबूत लोग हैं, हमारा अतीत बहुत प्रभावशाली है, हमारे पूर्वज राजा और रानी थे और हमें वापस उसी बुलंदी पर पहुंचना है। हम यहाँ मजा करने नहीं आए हैं, हमारा मकसद है जीत। मैं एक अलग टीम चाहता था जिसकी सोच अलग हो। पुराना जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, अब हम एक टीम है, एक वेस्ट इंडियन टीम, एक साथ
ताकि नौजवान ये समझ सकें कि वो एक अच्छी जिंदगी और अच्छे भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। एक जनता, एक देश, एक तकदीर। 1975, हम अपने सफर की शुरुआत पर खड़े थे, जवानी के जोश से भरे हुए, बेबीलोन के समय से चली आ रही मान्यताओं को तोड़ने के लिए तैयार। फिर भी उच्च स्तर के खेल में हमें अपनी पहचान बनानी थी और वो था टेस्ट क्रिकेट। 5 दिनों तक का मुकाबला, हमारा सामना हुआ सबसे मुश्किल इम्तिहान के साथ। हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए चैंपियन से मुकाबला करने उसी के मैदान में। शॉट 1, टेक 4, एक्शन। उम्मीदों की हवा बनी हुई है क्योंकि जोशीले कैप्टन क्लाइव लॉयड बोलते कम हैं, लेकिन इरादों के पक्के हैं। आपको भरोसा है आप जीत जाएंगे? हम जीतना चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं। लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बेहतर टीम है। मेरे ख्याल से टेस्ट इतिहास में अच्छी टीम और महान टीम के बीच का फर्क है तेज और अच्छे गेंदबाज। टॉमसन और रिली अच्छे गेंदबाज हैं। जिम थॉमसन और डेनिस लिली दुनिया के सबसे चर्चित क्रिकेटर्स हैं अपने विवादों की वजह से। विवाद बाउंसर्स और बम्पर्स के बारे में, जानबूझकर डराने के बारे में, बल्लेबाजों पर निशाना लगाने के मामले में और टेलेंडर्स पर बाउंसर फेंकने की वजह से। जेफ थॉमसन ने बहुत ही तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने बहुत तेज गेंदें फेंकी और उनका ऐसा प्रदर्शन पूरे मैच में रहा है। ऐसा करने से पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम का मनोबल बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए डेनिस लिली की एक और सफलता। उस क्रिकेट टीम ने जैसे बाकी टीमों को बौना बना दिया था, सबको हराया घर में और बाहर भी, इंग्लैंड को तो खत्म कर दिया। थॉमसन लॉयड को, ओ ये बहुत जोर से लगी। ऐसा लग रहा था अंग्रेज पनाह लेने के लिए भाग रहे हो और रहम की भीख मांग रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के पास कमाल के तेज गेंदबाज थे। तेज गेंदबाज से मेरा मतलब है वो लोग जो वाकई तेज गेंदें फेंकते थे। मैं 80-81 मील प्रति घंटे की रफ्तार वालों की बात नहीं कर रहा, मैं 90-91 की रफ्तार वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही वो रफ्तार है जिससे आप जख्मी हो सकते थे। गेंद उनके सर पर बुरी तरह लगी है, बल्लेबाज तकलीफ में है। मारे भी जा सकते थे, ये हुआ है किसी गोली की तरह थी, अगर आप उसके सामने आ गए तो मर भी सकते थे। जब आपके पास ऐसी कुव्वत हो जिससे आप अपनी गेंद से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, तब वो आदमी खेलने के बारे में नहीं सोच रहा, वो तो अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा है। मेरी कोशिश डराने की है, मेरा निशाना है उसकी पसलियों, उसकी टांगों में, जिससे उसे अंदाजा रहे कि आप आस पास हैं। डेनिस लिली आपके सामने खड़े होंगे, वो अपनी बड़ी कदकाठी के साथ आपकी आंखों में देखेंगे। उस गेंद से मुझे बहुत नुकसान हो, वो चाहते थे मैं दर्द से तड़पूं और मैं जख्मी हो जाऊं। अगर आप ढूंढेंगे एक शख्स जिन्हें खेलना मुश्किल है तो वो होंगे जेफ थॉमसन। मेरी राय में वो बेरहम थे, हमेशा एक खतरा था, वो खतरनाक आदमी थे। टेस्ट मैचेस के अखाड़े के बाहर जेफ थॉमसन एक खेल फिटनेस में मददगार थे ताकि वो अपनी तूफानी गेंद फेंक सके। बहुत दौड़ भाग लगती है टेस्ट क्रिकेट में विकेटों को चटकाने के लिए। कैसा है, खूबसूरत है ना? वो बहुत ही मतलबी थे। मैं कहूंगा ये बेहद शानदार तस्वीर है, ये हमेशा एक शानदार लम्हा है। कुछ खिलाड़ियों के लिए हिम्मत तोड़ने वाला भी है और कुछ लोगों के लिए जोश से भरा हुआ। ये सारे इम्तिहानों से बड़ा इम्तिहान है, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट मैचेस। 5 दिन मैदान में डटे रहने के लिए आपके पास सब्र होना चाहिए। लड़ाई चाल में तेजी की नहीं बल्कि आखिर तक बर्दाश्त करने की है। ये टेस्ट है, हर खिलाड़ी का इम्तिहान। इस वेस्टइंडीज टीम में ज्यादातर नौजवान थे जिनके लिए ये पहला टूर था या फिर दूसरा टूर। हम मस्त मौला थे, नौजवान थे, नौ सिखिया थे, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में धकेल दिया गया था, जो एक गहरी खाई थी। आप बाहर आइए और आपको लगातार एक ही आवाज सुनाई देगी, ले 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 मारो मारो मारो, ले 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 मारो मारो मारो।
साफ लगता था यहाँ प्यार के लिए ज्यादा जगह नहीं है। आपके चेहरे से नजर आता था उन लोगों का सामना करना आसान नहीं था जबकि भीड़ आपके सर पर खड़ी हो। वहाँ पर जंग छिड़ी हुई थी, मेरा यकीन मानिए वो एक जंग थी। वो आपको हावी नहीं होने देंगे, वो आपके ऊपर कुछ भी फेंकेंगे। वो जता देते थे कि प्रभुत्व उनका है, इस इलाके में आप अच्छा नहीं कर सकते। लिली और थॉमसन ने हर किसी पर बाउंसर फेंके, लोग झुक रहे थे, बच रहे थे, गिर रहे थे पीठ के बल ताकि बच सकें। तेज गेंदबाजी का ये नया पहलू डरावना था, सचमुच बेहद डरावना। लिली लैंस गिब्स तक को बाउंसर फेंक रहे थे। शाम को लैंस लिली के पास जाकर बोले, ये तुम क्या कर रहे हो यार, मेरे बीवी बच्चे हैं, जरा ठीक से गेंद फेंको। उन्होंने गेंद की लाइन लेंथ काफी अच्छी रखी है। ओ, ये चेहरे पर लगी है, मुझे लगता है काफी गंभीर चोट लगी है। गेंद ऊपर उठी और सीधी उनके जबड़े पर लगी है। जख्म, टूटी उंगलियां, टूटे कंधे, सर पर लगने वाली चोटें, सब अपमानजनक था। ये एक किस्म का फौजी हमला था वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर। बोल किया, विकेट हवा में कलाबाजियां खा रहा है। एक और गेंद, ऑस्ट्रेलियन की ओर से शानदार क्रिकेट का नमूना। चलिए अगली गेंद और रिचर्ड्स आउट। और ये हवा में, आज जेफ थॉमसन के बेहतरीन प्रदर्शन का दिन है। ये आउट है, रॉबर्ट्स आउट है। वो एक खतरनाक सीरीज थी, मैदान में और मैदान के बाहर भी काफी झड़पें हुई। वो जानते थे कि वो तजुर्बेकार लोग हैं और जानते थे कि पिंच कब कसना है। कुछ ऑस्ट्रेलियन के पास ये तरीका था कि अगर वो आपको गेंद से आउट नहीं कर सकते तो गालियों से आउट कर देंगे। बातें कही गईं और आपकी चमड़ी का रंग भी इसमें शामिल था। जब आप पर लगातार तानों और इशारों की बमबारी की जाती है, मैंने अनजाने में इसका सामना किया था, मगर यहाँ सब कुछ अलग था, बिल्कुल अलग। भीड़ में से कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जो बिल्कुल नहीं कही जानी चाहिए थी, वो बातें जो सभ्य नहीं थी। लोग परंपरा और विरासत की बात कर रहे थे। जाओ उन पेड़ों में जाकर रहो जहां से तुम आए हो। ब्लैक बास्टर्ड, मुझे गुस्सा आ जाता था जब कोई मुझे ब्लैक बास्टर्ड कहता था, क्योंकि मैं नहीं हूँ। आपको रुक कर देखना पड़ता था कि ताना किस तरफ से आया है, फिर वो हंसेंगे क्योंकि उनके लिए एक बड़ा जोक था। इस सब ने मेरे सम्मान को कम कर दिया, बहुत हद तक मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तब मैं काफी मासूम था। मैंने सोचा कि टेस्ट क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है। मैं टूट गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है। माइकल कोने में बैठ गए, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, वो रो पड़े। वो नहीं जानते थे कि लड़के इतनी बेरहमी से क्रिकेट खेल सकते हैं। ये सच है कि वहाँ झड़प होने लग गई, लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, बल्लेबाज गेंदबाजों पर और गेंदबाज बल्लेबाजों पर आरोप लगा रहे थे। ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब था और ये वक्त भी खुशनुमा नहीं था। नतीजा सामने है, ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीत गई है। हमारी शामत आई हुई थी, उन्होंने हमें 5-1 से हराया था। जब वेस्टइंडीज बुरी तरह से हार गई, उससे वेस्टइंडीज के सभी लोग बहुत निराश हुए। रोने का मन होता था, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। जब वेस्टइंडीज हारती थी तब लोगों के आंसू निकल आते थे। लोग निराश थे, बहुत बहुत निराश। हम जानना चाहते थे कि क्या हम वापस आ पाएंगे, आखिर कब। लोगों को लगा कि वेस्टइंडीज खिलाड़ियों में मुकाबले का दम नहीं है। कैलिप्सो क्रिकेट का कलंक एक बार फिर हमसे चिपक गया। हम वहां जाकर आखिर तक नहीं लड़े, हमने बस हार मान ली। जब टीम कैरिबियन वापस लौटी तो ऐसा लग रहा था कि हम फौजी लड़ाई के बाद वापस लौटे हों। उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ दांव पर लगा था। क्लाइव लॉयड जानते थे कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट अब दौराहे पर खड़ी है। ये वक्त था चिंतन और मंथन का। नौजवान कप्तान के तौर पर क्लाइव दबाव में थे, वो बहुत निराश हो गए, यहाँ तक कि वो अपनी कप्तानी पर भी शक करने लग गए थे। कहते हैं अपमान सहने के बाद बढ़ जाती है ताकत, हौसला और रहमत, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। चल जा यहाँ से, निकल जाओ, खेलो, लड़ो लड़ो, ये खेल है, आपको दिल लगाकर खेलना है और नाम रोशन करना है।
सर मत झुकाओ, लड़ो। Yes, लांचा नाटा को में कोई लांचा नाटा नो, लांचा नाटा को में कोई लांचा नाटा कुरिये में। मुझे याद है क्लाइव ने कहा था ये फिर नहीं होगा। अगर हमें कुछ तेज गेंदबाज मिल जाए जो उतने ही तेज हो या फिर उनसे भी ज्यादा तेज, फिर देखते हैं वो कैसे झेलते हैं उन्हें। क्लाइव लॉयड ने बड़ा ही बेबाक फैसला लिया। हम तुम्हारा खेल भी खेल सकते हैं, हम गेंदबाजों की फौज खड़ी कर सकते हैं जो तुम्हें धूल चटा सकते हैं और बौना बना सकते हैं, और तुम हार जाओगे। इसलिए उन्हें जरूरत थी बहुत तेज गेंदबाजों की। वो कैरेबियन में निकल पड़े उन खिलाड़ियों की तलाश में जो इस फौज में शामिल हो सकें। उन्होंने माइकल होल्डिंग को चुन लिया था और इस नौजवान के जौहर और चमक को जानते थे। लोगों ने क्लाइव लॉयड की पहचान पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा, तुम 17 साल की उम्र में माइकल होल्डिंग को शामिल कर रहे हो। क्लाइव ने कहा, वो नौजवान है तो क्या हुआ, मुझे उसकी ताकत पसंद है। कैप्टन बहुत चतुर थे, इस तरह का क्रिकेट ब्रेन जिंदगी में एकाध बार ही सामने आता है। हमारे पास 3 इक्के थे, वेन डैनियल, होल्डिंग और रॉबर्ट्स, तेज गुस्सैल लड़ाके जो आपको आउट कर सकते थे। ये बड़ी हुनरमंदी से किया गया था, ये बहुत ही जबरदस्त निर्माण था। This is cricket, lovely cricket, yes, cricket, lovely cricket. Man, I'm a set people, are you ready? No, oh Lord. What a solid. Golly. एक काला गेंदबाज हमेशा से दायरों में बंधा हुआ था, कैद था, जो कि तूफान की तेजी से गेंद फेंक सकता था और वो गेंद लोहे के टुकड़े की तरह आपके करीब आती थी। जब आप माइकल होल्डिंग को गेंद फेंकने के लिए दौड़ते हुए देखते हैं, तब आप देखते हैं अफ्रीकन व्यक्ति को अफ्रीकन लय में। हाँ, वो है लाखों में एक जिसका जन्म ही क्रिकेट की गेंद फेंकने के लिए हुआ। माइकल के वो लंबे कदम किसी भी बल्लेबाज को डराने के लिए काफी थे। मैं सिर्फ एक नौजवान था, दौड़ता हुआ तेज गेंदबाजी करता हुआ। लोग मुझे देखकर कहते थे, देखो उस लड़के को, वो आ रहा है। एंडी रॉबर्ट्स टीम का एक सख्त किरदार था जिसे आप लड़ने के लिए ले जा सकते थे हर जगह। मैं एक सिपाही हूँ, मेरे लिए तेज गेंदबाजी सबसे ज्यादा जरूरी है। एंडी को गलत समझ लिया गया क्योंकि वो कभी मुस्कुराता नहीं था। लोगों ने सोचा कि वो बहुत चिड़चिड़ा है और बुरे स्वभाव का है। अपने जज्बात कभी मत दिखाओ, कोई नहीं जानता कि क्या उम्मीद की जाए, ऐसा था मैं। इसने मुझे तेज गेंदबाजी के बारे में काफी कुछ सिखाया, क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सिखाया। वो आपको फंसा सकता था, उसे जाल बिछाना आता था। उनके पास 2 अलग तरह की बाउंसर थी, पहली जिसे बल्लेबाज कई बार चौके के लिए हुक कर सकता था, दूसरी उसी एक्शन और उतने ही प्रयास के बाद उससे कहीं ज्यादा तेज, और ये बैट्समैन को चकमा देकर उन्हें लग जाया करती थी। वो आपको चोटें पहुंचा सकता था, कुछ गंभीर चोटें। वो इस पेस अटैक का असली लीडर था। ऑस्ट्रेलिया दौरे के ठीक बाद हम घर लौटे इंडिया से खेलने के लिए। हम सारी जिल्लत को दूर भगाने के लिए बेकरार थे। हम दिखाना चाहते थे कि हम में जीतने वाली खासियत है। क्लाइव के लिए ये मौका था जब वो अपने नए पेस अटैक का इस्तेमाल कर सकते थे। प्रेशर ज्यादा था और इस प्रेशर को फटना था किंगस्टन में। सारा जमैका देखने आया था, स्टेडियम में तिल रखने की जगह नहीं थी। लोगों को लगा कि अब हम आग उगलने वाली ताकत का ही इस्तेमाल करेंगे। चलो उस तरह का क्रिकेट खेलते हैं जिसके लिए हम जाने नहीं जाते। हमारे प्लेयर्स ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें सबक मिला है ऑस्ट्रेलिया से। हमें देखना था कि भारतीय कैसे झेलेंगे हमारी इस ताकत को। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने उसे दौड़ते हुए देखा और फिर सही गेंद फेंक दी ऐसे। हम पूरी इंडियन टीम को वास्तव में झुका रहे थे। इंडियन टीम चलते फिरते घायल लोगों की तरह हो गई थी। सभी टूट फूट गए थे। गेंद ने सभी को चूमा था, आप समझ रहे हैं ना। भारतीयों को लग रहा था कि हम जरूरत से ज्यादा तेज गेंद फेंक रहे हैं, और विरोध में उन्होंने बाकी के मैच खेलने से मना कर दिया। तेज गेंदबाजी का सामना करने के लिए बहुत कलेजी की जरूरत है। जिन्हें चोट लगने की उम्मीद नहीं थी वो शिकायत करते हैं। जब भी मैं बल्लेबाजी करने जाता हूँ अपने हिस्से की उम्मीद रखता हूँ,
ऑस्ट्रेलिया 75-76 हमने शिकायत नहीं की। अगर आप गर्माहट नहीं ले सकते, रफ्तार नहीं झेल सकते, तो आउट हो जाओ। मुझे लगता है बदकिस्मती से इंडियंस को झेलना पड़ा खेल की नई रणनीति का ये धक्का और अपने स्वाभिमान को वापस पाने का संघर्ष। आपको नजर आती थी एक टीम जिसने अपना मन बना लिया था करो या मरो, जिसमें रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये फलसफा क्लाइव के दिमाग में जम चुका था उन साधनों की वजह से जो हमें मिले, और मेरा ख्याल है तब लोगों को ये एहसास हुआ कि ओ ये काम कर सकता है, और इसने किया। इंडिया को हराना पहला इशारा था कि हमारे दिल में जीत की आग थी। ये बेशक एक कामयाबी थी, मगर मंजिल अभी दूर थी। इसके जल्द ही बाद हमें अपने सबसे पुराने दुश्मन का सामना करना था, दुश्मनी की आग में धधकते हुए सबसे बड़े मैच में। ये था साल 1976 और हमने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। क्या हम अपने पुराने शासकों को उस खेल में मात दे सकते थे जो उन्होंने ईजाद किया? ये तमन्ना इंग्लैंड के खिलाफ खास तौर से थी। क्रिकेट के जरिए हम अपनी बगावत को दर्ज कराना चाहते थे ब्रिटिश उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ। हम अपने पुराने मालिकों के खिलाफ खेल रहे थे, इसलिए हमें अपने खेल को इस हद तक उठाना था कि हम उन्हें हरा सकें। हम अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते थे कि ये खेल आपने हमें सिखाया, मगर अब हम आपसे बेहतर हैं। अंग्रेज जैसा कि आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट का बेहद अदब करते थे। इंग्लैंड को एक युद्धपोत खोना ज्यादा मंजूर था बजाय टेस्ट मैच के। हमें मामले की गंभीरता का एहसास था। मेरे लिए इंग्लैंड को हराने में जो संतोष था वो किसी और में नहीं था, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमने इंग्लैंड में जितना संघर्ष किया उतना दुनिया में कहीं नहीं किया। उन दिनों ये आम था, मेरा परिवार इंग्लैंड आया एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। एक दयनीय दृश्य, इन लोगों ने आने से पहले ही एक राष्ट्रीय विवाद को खड़ा कर दिया है। उस जमीन पर उन्हें क्या मिलेगा जिसे वो एल्डोराडो समझते हैं? 14 साल की उम्र में कैरिबियन छोड़ना बहुत मुश्किल था। इंग्लैंड आना मतलब एक नए माहौल में पहुंच जाना, जहां आपकी नई चीजों से रोज मुठभेड़ होती है। हाँ बेशक, यहाँ सच में बहुत ज्यादा परदेसी हैं। हमारे पास अपने लोगों के लिए मकान, रोजगार और स्कूल्स नहीं हैं। इन परदेसियों को कहाँ से दें? अगर जल्द ही कुछ नहीं किया जाएगा तो ये पक्षपात एक नफरत में तब्दील हो जाएगा। वहाँ एक मकान था जो वो किराए पर देने के लिए तैयार थे, लेकिन सीढ़ियों पर लिखा था किराए पर देना है सिवाय आरिश और ब्लैक के। 70 के दशक की शुरुआत में मुझे समझ नहीं थी कि नस्लवाद क्या है। मुझे कोई भी तजुर्बा नहीं था। लोग मुझे कहते थे नीच। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है। जब लोग गुस्सा हो जाते थे तब आपको सुनने को मिलता था अबे काले ये अबे काले वो। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं कैरेबियन में ही अच्छा था बजाय यहाँ होने के। मेरा ये आक्रोश मेरे खेल में नजर आया। मैंने ये महसूस किया और पूरा दम लगाकर वो काम किया जो मैं कर सकता था। हमला शायद ये अंदर भरे रोष को बाहर निकालने का तरीका था। किसी दूसरे इंसान पर गुस्सा निकालना सही बात नहीं थी, जबकि कई बार मेरा मन ऐसा करना चाहता था, इसलिए सारा गुस्सा गेंद पर निकला। हर छोटी ताकत जो आप सोच सकते हैं उस वार में लग रही है। मेरा बल्ला मेरा हथियार था और मैं उससे उस समय सभी लोगों को चुप कराना चाहता था। इंग्लैंड में रह रहे वेस्ट इंडियन लोगों को हम ढांढस बंधाना चाहते थे। लोग जो आपसे आस लगाए बैठे थे, जो आपका समर्थन करते थे। वेस्ट इंडीज हार जाता तो उन्हें काम पर जाना मुश्किल हो जाता। सबको मालूम था कि उनके साथी उन्हें गालियां देंगे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ एक बात की शेखी बघार सकते थे और वो थी सफलता वेस्ट इंडीज की। ये कदम खेल से भी बड़ा था। कुछ और भी बातों का ध्यान रखना था क्रिकेट बॉल के अलावा। लोग वेस्ट इंडीज की हवा बना रहे थे। मुझे नहीं लगता ये लोग उतने अच्छे हैं जितना लोग सोचते हैं। अगर वो गिरेंगे तो रेंगेंगे, और मैं क्लॉजी और बाकी लोगों की मदद से उन्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। रेंगेंगे, रेंगने पर रेंगेंगे, मजबूर कर देंगे। ये कहना कोई समझदारी नहीं थी। बात गलत समय पर कही गई थी, खास तौर पर साउथ अफ्रीका में हो रही रंगभेद की नीति की वजह से। एक आदमी जिसे एहसास था कि रंगभेद अब भी जोरों पर है, उसने ये कहा कि वो इन काले लोगों को रेंगने पर मजबूर कर देगा। जल्द ही वहां जीतने की भूख थी।
क्लाइव लॉर्ड ने कहा, हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे दोस्त ने हमारे लिए टीवी पर सब कुछ कह दिया है। हमें पता था कि हमें क्या करना है। हमने इसे गंभीरता से लिया, बहुत बहुत गंभीरता से। मैंने अपने लड़कों को इतना ध्यानपूर्वक खेलते हुए कभी नहीं देखा। वो अकेला बयान पूरी सीरीज का लहजा तय करने के लिए काफी था। गेंदबाजों ने वास्तव में आग लगा दी। उसने जो कहा उसका दर्द दूसरों को भुगतना पड़ा। ओ, ये बहुत ही तेज गेंद थी, बिल्कुल क्लोजिंग स्टाइल में। भगवान, एक खतरनाक हादसा टल गया। गेंद गोली की तरह बहुत तेजी से आई, बिल्कुल आखिरी मौके पर उन्होंने गेंद के रास्ते से सर को बाहर निकाला। ओ, ये तो काफी दर्दनाक है। ये उसी निशान के करीब है जहां पहले उन्हें गेंद लगी थी। ये उन्हें डंक की तरह लगी होगी। मुझे लगता है ब्रायन क्लोसी जब तक पेविलियन की शरण में वापस आएंगे तब तक तो चोटों का पिटारा बन चुके होंगे। बहुत हो चुका, वो जरूरत से ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदें फेंक रहे हैं। आज तो वेस्ट इंडीज ने शॉर्ट पिच गेंदों की बमबारी ही कर दी। खतरनाक गेंदबाजी को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। क्रिकेट सोसाइटी के भूतपूर्व चेयरमैन ने चेतावनी दी है कि अगर सख्त नियम नहीं बनाए गए तो कम से कम 10 क्रिकेटर मरेंगे और 40 के सर फूटेंगे। ये सब होगा गेंद लगने की वजह से इन गर्मियों में। पूरी दुनिया ने वेस्ट इंडियन टीम को कहा बेरहम, जो खेल को बदनाम कर रही है, लेकिन उस बदकिस्मत बयान ने आग में घी का काम किया। इसके बाद बेचैनी बढ़ गई और गेंदों में संगीन तेजी आ गई। खेल के कायदों के हिसाब से अंपायर्स को आगे आकर खिलाड़ियों को बचाने की इजाजत थी। आप जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन बल्लेबाजों को चोट लग रही थी और ये अफसोस की बात थी। जब मैं किसी बल्लेबाज को चोट पहुंचाता था तो हमदर्दी यहां थी, आप देख नहीं सकते थे, और मैं बल्लेबाज को दिखा नहीं सकता था। मेरे लिए ये मेरा काम था। अब हम वो मस्त मौला क्रिकेटर्स नहीं थे जो यहाँ सिर्फ दिल बहलाने के लिए आए थे। अब हमारा हुनर ही मनोरंजन था। नियमों के दायरे में रहकर जीतने के लिए जो बन पड़े हम वो कर रहे थे। उम्दा गेंद, होल्डिंग का एक और विकेट। हमें परदेश में भी देश का एहसास हो रहा था। दर्शकों ने हमारे खेलने के तरीके की वजह से हमारा साथ दिया। कितना आलीशान कैच पकड़ा है। वेस्ट इंडीज के सपोर्टर्स झुंड बनाकर आए। स्टैंड्स का एक हिस्सा वेस्ट इंडियन से भरा हुआ था और वो पूरे मजे ले रहे थे। इससे अच्छा शॉट कहां देखने को मिलेगा। लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड में काफी अरसे बाद इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी। मुझे लगता है तपिश अंग्रेजों को महसूस हुई थी, वेस्ट इंडीज को नहीं। एंडी रॉबर्ट्स की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। दर्शकों को इससे अच्छा मनोरंजन मिल ही नहीं सकता। टोनी ने जो कहा था उसके लिए भीड़ ने उनकी काफी फिरकी ली। वो दोहराते रहे और उन्हें याद दिलाते रहे। मुझे लगता है कि उन्हें पैगाम मिल गया था। जब भी वो बल्लेबाजी करने आए उन्हें मजा चखाया गया। खिलाड़ी थके होते थे तब भी उनमें ताकत आ जाती थी, और ये टोनी को स्लिप में कैच आउट करवाने जैसा नहीं था। उसकी तो बस किल्लियां उखाड़नी थी। बैंग, वो लम्हे बहुत ही खास थे। निराश और नशे से बाहर निकले हुए टोनी ग्रेग। आप माफ कर सकते हैं मगर कभी भूल नहीं सकते। '76 में माइकल होल्डिंग और मेरा प्रदर्शन शानदार रहा। रिचर्ड्स ने भी मौसम के बहुत मजे लिए। ये था बैट बनाम बॉल 76 में। विव जिस टेस्ट में भी खेले लगा कि उन्हें आउट नहीं किया जा सकता। जबरदस्त शॉट, माहिर बल्लेबाज हैं। मास्टर ब्लास्टर आ चुके हैं। उनकी खतरनाक गेंदबाजी की बहुत बातें की जा रही थी, लेकिन विव को एक ओवर में 6 बाउंसर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था।
उन्हें डर नहीं लगता था, वो आते थे और अपने दम पर खड़े होते थे। आप तो समझे बात को, बल्लेबाज तुम्हारे हाथ में बल्ला है, बचाओ खुद को। कुछ लोगों ने कहा मैं अकड़ू हूँ, ये निशानी थी इस बात की कि मैं यहाँ बेखौफ था। च्युइंगम चबाते हुए मैं हर बार खुद को हौसला देता था। कमाल का शॉट, इस खिलाड़ी के सामने कैसी भी गेंदबाजी बेकार है। उन्होंने सबसे तेज गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी की और सबके चिथड़े उड़ा दिए। मैं उन्हें भी चोट पहुंचा सकता था, बेहतर है कि वो रास्ते में ना आए। विवियन रिचर्ड्स गेंदबाज से डरे, इसकी जगह गेंदबाज विवियन रिचर्ड्स से डरते थे। अगर आप मुकाबला नहीं कर रहे तो आप ऊंघ रहे हैं। अगर आपने मेरे चेहरे पर वार किया तो आप विवियन रिचर्ड्स का बेहतरीन देखेंगे। Cricket is the game, brother. I don't know how he could play cricket so, but his batting, bowling, feeling, catching is breathtaking. Sometimes I just wonder if he's an ex-sober in the making. That man Richards could really bat, is something to see him and the attack. Plundering bowlers again and again. It's remarkable how he does dictate the game. No bowler holds a terror for Vivian Richards. Not Thompson, nor Lily, not Beddy, nor Shandazita. A perfect coordination of body and mind. That brother is really dynamite. I tell you, pace a spin. He ain't give a France while you bowling him. Fast or slowly, you're going back to the boundary. Vivian Richards, a great man. Wonderful. ऑस्ट्रेलिया में हार और हमारे उपनिवेश मालिकों के खिलाफ जीत, सिर्फ एक साल में हमने लंबा सफर तय किया। क्लाइव लॉयड की अगुवाई में ये नौजवान टीम अब समझदार होती जा रही थी। ये दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी अचंभे की बात थी। बड़ा सवाल ये था कि क्या हम अपनी कामयाबी का सफर जारी रख पाएंगे। इस सवाल को इंतजार करना पड़ा। हमारे दरवाजे पर बेबीलोन के खिलाफ लड़ाइयां खड़ी हुई थीं। लड़ाई बराबरी के अधिकार और इसके फल की, जो खिलाड़ियों को मिलने चाहिए। उस वक्त हमें जो कामयाबी मिली थी उसके एवज में टीम को और भी फायदे मिलने चाहिए थे। उस टीम की ताकत को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। खिलाड़ियों को बराबर पेमेंट मिले, इस बात को लेकर कुछ मुद्दे थे। उन खिलाड़ियों के बराबर जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे। वेस्टइंडीज की टीम को कितना पैसा मिल रहा है? देखिए, मुझे पता नहीं है कि कितना मिल रहा है, लेकिन टिकट में जो पैसा आ रहा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तब ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स के मुखिया श्वेत नस्ल के लोग थे। माना जाता था कि ये लोग अश्वेत लोगों को दबाने की कोशिश में थे। मुझे नहीं लगता कि नस्ल का इससे कुछ लेना देना है। ताकत सुन कर देती है, ये किसी नशे की तरह है। खिलाड़ी के तौर पर हम परेशान थे कि वेस्टइंडीज बोर्ड ने हमें कम पैसों में बेच दिया। खेल के बाद जिंदगी भी बसर करनी होती है। क्रिकेट खेल कर जो मिल रहा था उससे जिंदगी नहीं चल सकती थी। हमारा इस हद तक शोषण हुआ कि लोग हम पर हंस रहे थे। हम वो लोग नहीं थे जो धोखा देते हैं, चोरी करते हैं। और अचानक महकमे को चुनौती देने का एक मौका सामने आया। इसका नाम था वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। इस मंजर में नजर आई एक नई इनकलाबी शुरुआत, जिसका आयोजन पहले से चल रही अथॉरिटीज ने नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलियन कारोबारी कैरी पैकर ने किया है। नतीजतन ऑफिशियल्स को दौरा पड़ गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट उनकी इस कारोबारी लूटमार का किस तरह स्वागत करेगी। ये जो टीम है, ये सबसे सस्ती स्पोर्ट टीम है। उन्हें उनके हुनर और मांग के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। यहाँ एक कैरी पैकर नाम का इंसान आया, जिसने कहा, हम आपको आपकी योग्यता की कीमत चुकाना चाहते हैं। कैरी ने फैसला किया कि वो वेस्टइंडीज के, ऑस्ट्रेलिया के और बाकी बची दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स को अपने खेल में लाएगा। ऑस्ट्रेलिया में त्रिकोणीय श्रृंखला। इनाम था $30,000। जितनी हमें आदत थी ये उससे बहुत ज्यादा था। मैं वीआईपी की तरह महसूस कर रहा था और मैंने कहा ठीक है,
इतने पैसे के लिए मैं क्रिकेट खेलने के बारे में सोच सकता हूँ? बताओ कहाँ साइन करने हैं? इससे हमारे फैंस को बहुत धक्का लगा। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हमें बागी खिलाड़ी करार दिया, हम पर बैन लग गया वेस्टइंडीज की ओर से खेलने पर, यानी वापसी पर क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। लगा जैसे देश निकाला मिल गया, हम अकेले खड़े थे। एक समय ऐसा लगा जैसे वेस्टइंडीज टीम के लिए कभी नहीं खेल पाएंगे और हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था। हमें क्या हो गया, हम क्या बन गए? सारी पब्लिसिटी, हंगामे और मोल भाव के बाद पेकर की श्रृंखला की शुरुआत ठुस थी। जेब में पैसा है मगर मुझे प्यार नहीं मिला, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, स्टेडियम खाली पड़े थे। आज पूरा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं। कैरी समझ गए कि वर्ल्ड सीरीज की कामयाबी बहुत हद तक वेस्ट इंडीज की कामयाबी पर निर्भर है। हमने एक मैच खेला जिसमें हम सस्ते में आउट हो गए। वो आए हमारे चेंजिंग रूम में और हमें कड़ी फटकार लगाई। जेंटलमैन, आप लोग मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं आप लोगों को अभी के अभी निकाल सकता हूँ। क्वांटस 001 हर दोपहर यहाँ से निकलती है। अगर आपने अपना खेल नहीं सुधारा तो मुझे कुछ लोगों को घर वापस भेजना पड़ेगा। कैरी पैकर की मांग थी प्रोफेशनलिज्म। वो एक प्रोफेशनल नजरिया चाहते थे, सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि जिंदगी में भी। हमने उन्हें निराश किया था और उस दिन से सब कुछ बदल गया। हमें पता चल गया था कि हमारे पास कल नहीं है, सिर्फ आज है, और अब हम पीछे नहीं हटना चाहते थे। हम एकजुट हो गए, बस यही साथ तो हमारे पास था एक दूजे के लिए, वो परिवार का एहसास, सबके लिए एक और एक के लिए सब, दिल में बस दया। कैरी पैकर ने डेनिस वेट को वेस्टइंडीज टीम का फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त किया। वो क्लाइव लॉयड के पास आए और उन्होंने कहा, कप्तान मुझे नहीं लगता कि ये टीम पूरी तरह से फिट है। फिर उन्होंने हमें ट्रेन किया। डेनिस एक फिट और मजबूत आदमी थे, वो होटल से सीधे मैदान तक दौड़ते हुए आते थे जबकि हम बस लेते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करवाई, पागलपन की हद तक। हम उस वक्त सबसे ज्यादा फिट थे, अगर हम नहीं थे तो मेहनत करने में खुश थे। 23 से रन चुराया, जल्दी करनी होगी और ये आउट, शानदार फील्डिंग। इससे ज्यादा फिट टेस्ट टीम दुनिया ने नहीं देखी थी, खास तौर से उन तोंदू और अनफिट क्रिकेटर्स की तुलना में। इस फिटनेस ने मैदान में कमाल के कारनामे दिखाए, शानदार कैचेस, अद्भुत सहनशीलता, वहाँ एक तमाशा था। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही भावुक क्रिकेट थी, सबसे मुश्किल क्रिकेट जो कभी मैंने खेली थी। हर टीम में 5 खालिस तेज गेंदबाज थे। हर टीम में नींद से उठते ही आपको पता होता था कि आज का खेल कल के खेल से ज्यादा खतरनाक होगा। इस टूर्नामेंट ने फिट होने के बारे में हमारी पूरी सोच बदल दी थी। जीतने की कीमत चुकानी पड़ती है, इस खेल में होने का मतलब था मतलबी। शानदार शॉट, भरपूर ताकत से भरा। वर्ल्ड सीरीज में बहुत सारी नई चीजें भी आईं। रंगीन कपड़े, वेस्ट इंडीज गुलाबी रंग में थे। हमें पहली बार यूनिफॉर्म में देखकर प्रेस ने बातें बनाना शुरू कर दिया। पहले कहा गुलाबी खूबसूरत, फिर कहने लगे गुलाबी नाजुक कलियां। हमें दिखाना था कि हम वैसे नहीं है जैसे हमें सजाया गया है। और वहाँ से वर्ल्ड सीरीज के अंत तक हम एक भी मैच नहीं हारे। और ऑस्ट्रेलियंस ने ये हमेशा कहा है कि कैरी पैकर को वेस्ट इंडीज को वो स्पीच नहीं देनी चाहिए थी। आप अच्छा खेल रहे थे, उतना अच्छा जितना आपको लगता था कि किस्मत थी। जितनी मिल सकती थी उतनी जीत मिल रही थी, मगर फिर भी एक कमी खल रही थी। वेस्ट इंडियन दर्शक खुशी से झूमते हुए एकदम पागल। वेस्ट इंडियंस के समर्थकों में एक बात मैंने देखी कि वो वफादार थे। वेस्ट इंडीज की जीत देखना उन्हें पसंद था, अच्छा क्रिकेट देखना उन्हें पसंद था, लेकिन उन्हें नापसंद था प्रशासकों का झूठ। समर्थक जानना चाहते थे कि अभी तक हम पर प्रतिबंध क्यों लगा था। वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को वापस चाहते थे। बोर्ड के साथ हमारी लड़ाइयाँ वैसी ही थीं जैसे हमारे लोग राजनीतिज्ञों के साथ लड़ रहे थे।
आजादी के बावजूद हमारे नेता अभी भी हमारे पैसे और सुविधाएं आइलैंड को अपनी सहूलियत से टुकड़ों में बांटकर लूट रहे थे। क्लाइव की टीम में लोगों ने एकता और मेल मिलाप का एक नमूना देखा। हम एक दूसरे से हमदर्दी रखते थे। हम लोगों के हीरो थे क्योंकि हम अपने हुक्मरानों के खिलाफ थे। लोगों को समझ आ रहा था कि साथ आने में ही मजबूती है। इस वजह से हवा कुछ कुछ बदल गई थी। जो राजनेता नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया। जब हम खेलते थे और मैदान में उतरते थे तो सारे मतभेद किनारे रख देते थे जो हमारे द्वीपों के बीच में थे। हमने लोगों को एकजुट कर दिया, एक आवाज में अपनी बात कहना सिखा दिया। वेस्ट इंडीज के मैचेस को बायकॉट करने के मामले में लोग एकमत थे। उस वक्त क्लाइव को लगा और ये बात भी महसूस हुई कि वेस्ट इंडीज की टीम ही नहीं पूरा कैरिबियन ही उन्हें अपना लीडर मानता था। वक्त सही था और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथ बंधे हुए थे, उन्हें हमें वापस लाना पड़ा। हम एक साथ वापस आए और जुड़ गए। क्लाइव हमारी टीम के निर्विवाद नेता की तरह वापस लौटे। सियासत अब हमारे लोगों को अलग नहीं कर पा रही थी और हम सभी वेस्टइंडीज की जीत का इनाम आपस में बांट रहे थे। और वही धूरी वो लोग जो सही मायनों में हमारा परिवार थे, जिनकी जोड़ी जमती थी, पारंपरिक क्रिकेट में वापस आए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमने कुछ हासिल कर लिया। अब हम पहले से बेहतर टीम थे, फिट टीम थे और इसने हमें पेशेवर खिलाड़ियों में बदल दिया। तब मुझे लगा कि अब हम कोई मैच नहीं हार सकते। जोएल गार्नर और मैंने टीम में आने के लिए रास्ता बनाया और वेस्ट इंडीज के लिए गेंदबाजी का रूप बदल गया। मीडिया को बड़ी दिलचस्पी थी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था जब आपके पास चार गेंदबाज थे जो 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सकते थे। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और कॉलिन क्राफ्ट। कॉलिन क्राफ्ट हमें यमदूत कहा जाता था, हमें आतंकवादी, खतरनाक और खूनी न जाने क्या कहा जाता था। इनकी कदकाठी देखकर डर लगता था। जोएल गार्नर की हाइट 6'8" थी। उसका निशाना या तो आपके पंजे या फिर गर्दन। वहाँ दुश्मन खड़ा था बैट पहने हुए बल्ले के साथ। मेरा मंसूबा रहता था कि उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। कॉलिन क्राफ्ट का एक्शन ऐसा था जिसे आप नहीं समझ सकते थे। वो समाज के लिए हानिकारक था। मैं डरावना था, मैं जानता हूँ। बाउंसर से किसी को गिरा दो, फिर मुस्कुराओ, फिर हंसो। यहाँ मैं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने मुझसे कहा, क्राफी सोचो दूसरे छोर पर तुम्हारी माँ बल्लेबाजी कर रही है। मैंने कहा, दूसरे छोर पर अगर मेरी माँ है तो वो भी मेरा निशाना है। एंडी हिटमैन था और उस पर हिटमैन का लेबल लग गया था क्योंकि वो लगातार लोगों पर वार करता था। मुझे हिटमैन कहलाना पसंद नहीं था। मेरा इरादा लोगों को चोट पहुंचाना नहीं था, फिर भी लोगों को चोट लगी। कॉलिन काउड्री, सादिक मोहम्मद, माजिद खान, जिनके चेहरे की हड्डी टूटी थी, वो सभी बहुत डर गए थे। उन सभी का अपना अलग अंदाज था। माइकल को विस्परिंग डेथ कहा जाता था। अंपायर्स मेरे कदमों की आवाज नहीं सुन पाते थे, उन्हें पीछे मुड़कर बार बार देखना पड़ता था। और मैं समझता हूँ मौत शब्द मेरी गेंदों की रफ्तार की वजह से आया क्योंकि वो मौत का कारण बन सकती थी। 1979 तक टीम मजबूत हो चुकी थी, बहुत मजबूत। हम अपने खेल के शिखर पर थे। हम सभी शानदार सदाबहार थे। ये पेशेवर खेल का सबसे ऊंचा दर्जा था। वेस्ट इंडियन आए और संस्कृति के साथ बोले, ये समझिए क्रिकेट दर्शनीय भी हो सकता है, क्रिकेट कला है। हम बन रहे थे राजनीतिक ताकत। वो लोग कह रहे थे ये वेस्ट इंडियन उत्पाद है। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सो कॉल्ड तीसरी दुनिया से आए ये लोग शानदार भी हो सकते हैं। हवाएं रुख बदल रही थी। हमें बेहतर होना है, इतना बेहतर जितना पहले कभी नहीं थे। हम अपनी जीत के रास्ते पर थे, अच्छाई की बुराई के ऊपर। Clive lied. You know you're the man. Colin Croft, one to the head, six to the chest. Eh? Cricket and sports and people know that. The ball me a ball and people know that. Kufaf, Clive lied in those three classics. Score. Gone up on them seat. After. Michael only ball the ball them like Saddam Saddam. Watch it. That's why Clive lied and me the cannon. Color, color. Man, I will jump you can. You know we're better than the rest. Crow up.
हमें ऑस्ट्रेलिया में 75 और 76 का दौरा बार बार याद दिलाया गया। जब भी उनमें से किसी पुराने टेस्ट मैच की झलकियां दिखाते थे, उस हार की यादें ताजा हो जाती थीं। हमें वो बार बार याद दिलाया जाता था। उन लोगों के लिए बेहद जरूरी था जो 1975 की हार के भागीदार थे। ये सही वक्त था हार का बदला चुकाने का। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली दुनिया में नंबर एक पर थे। तब भी वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, इसलिए ये था एक नया मैदान मारना। हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना था हर कीमत पर। कैसे ये मायने नहीं रखता था, सही या गलत, हमें उन्हें हराना था हर तरीके से, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तौर पर। आप जो भी नाम दे, हम तैयार थे। हमने उन्हीं परेशानियों का सामना किया जो 75 और 76 में आई थीं। वो आपके करीब से गुजरेंगे या पिच पर चलते हुए आएंगे और कहेंगे भागो, जाइए, भाग जाइए, या तो भाग जाओ या फिर खेलो। आप बल्लेबाजी के लिए उतरे, इससे पहले कि पिच तक पहुंचे, डेनिस लिली कहेंगे, तुम वहीं रुको, मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूं तुम्हारे सर की। लेनी पास्को ने एक वक्त कहा था कि मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा कर ही रहूंगा। ये सब खेल को एक नए स्तर पर ले जा रहा था। उन्हें लगा कि जब वो ऐसा करेंगे तो हम घुटने टेक देंगे और याद करेंगे कि पहले क्या हुआ था, मगर ऐसा नहीं था। इस बार कहानी पूरी तरह अलग थी। और कट कर दिया है स्लिप के ऊपर से। वो भौचक्के रह गए। मैं हेलमेट नहीं पहनता था, मुझे इन साधनों की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि मैं वहां बहुत सारी ताकतों के निशाने पर हूं। मैंने पैगाम दिया कि मैं हारने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। मुझे यहां से हटाने का एक ही तरीका है और वो तरीका है नॉकआउट। ओ, बहुत जोर से चोट लगी है, काफी जोरदार। हर कोई सोच रहा था कि विव को नुकसान पहुंचेगा और हमें लग रहा था कि विव अब किसी भी मौके पर मैदान छोड़कर चले जाएंगे। विरोधी को पता लग जाए कि आप घायल हैं, ये खतरा आप नहीं उठा सकते। वो खड़े होंगे और आपकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। मैं भी घूर कर देखूंगा और ये घूरने का सिलसिला थोड़ी देर चलेगा, जब तक वो मुड़कर अंपायर के पास से अपने बोलिंग मार्क पर वापस जाएंगे। वो फिर मुड़ के देखेंगे कि आप उन्हें देख रहे हैं या नहीं, और अगर आप अब भी देख रहे हैं तब उनकी समझ में आएगा कि आपके इरादे भी खतरनाक हैं। ये अगली गेंद बाउंसर रहेगी और कमाल का जवाब, बहुत ही बढ़िया शॉट। और अगली गेंद को उन्होंने मैदान के बाहर पहुंचा दिया। देखो तुमने क्या कर डाला, तुमने शेर की पूंछ पर पांव रख दिया। वो बहुत लंबे समय तक मारो मारो चिल्लाते रहे, और जब ऑस्ट्रेलिया ने ये किया तो हमारे खिलाड़ियों को भी मतलबी बनने की सीख मिली। ओ, ये छाती पर लगी है, बहुत ही जोर से लगी है, इस चोट से काफी दर्द हुआ होगा। और जो गाना कह रहे हैं कि तुम इसे सहला सकते हो। हमने चारों लड़कों को उन पर खुला छोड़ दिया और इस बार वही लगी है वापस, जो काफी था। ऑस्ट्रेलियंस के लिए एक दर्द भरा दिन। वही ऑस्ट्रेलिया जो इतनी आक्रामक थी अचानक रो रही थी। क्या आप किसी ऑस्ट्रेलियन से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। उनकी हर मजबूत कोशिश का हमने करारा जवाब दिया। हमारे पास रफ्तार थी और जब वो रफ्तार की गर्मी नहीं झेल पाते थे तो वो स्लिप में कैच देते थे और चल देते थे, क्योंकि रफ्तार में बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम शांति संधि की बात कर रहे थे, ये संधि सिर्फ एक मैच तक चली और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मगर उस वक्त हालात कुछ ऐसे ही बन गए थे। हमने दबाव बनाए रखा, उन्हें धूल चटाई और मैदान से खदेड़ दिया। वाह, मैं सोचता हूँ ये बहुत दिलचस्प था। मुझे लग रहा था जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया, हम अपने तजुर्बों से सीखे और खुद को सबसे ऊंचे स्तर पर भी साबित कर दिया। ये वो एहसास था कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम बुलंदी पर पहुंच गई थी और हम यकीनन दुनिया की सबसे अच्छी टीम है।
ये पहली बार था जब वेस्ट इंडीज ने कुछ ऐसा किया था जो अब तक दुनिया ने नहीं देखा था। मैप पर हम बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, पर हम दुनिया पर राज कर रहे थे। उस एहसास को बयान करना बहुत मुश्किल है, वो खुशी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। ये हमारे लिए धूम मचाने का वक्त था। सब कुछ कमाल हो रहा था। हम पाकिस्तान गए, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने वाली हम इकलौती टीम थे। हम इंडिया गए और उन्हें भी हराया। एक बार फिर हमारी टीम ने कर दिखाया। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी हवा में झूमती एक कविता थी। तब से हमने ऐसा नहीं देखा। हम सब कुछ जीतना चाहते थे, हर मैच जीतना चाहते थे। हमने उन्हें दांव में फंसाया, दबा के रखा और चित कर दिया। कैसे कर पाएंगे आप ऐसा? ऐसी टीम को आप नहीं हरा सकते हैं। फिर वेस्ट इंडीज टीम लगातार इस तरह जीतने लगी कि काम की जगहों में, कपड़े पहनने के तरीकों में, स्टूडियोज और रिकॉर्डिंग में लोगों में गर्व नजर आने लगा। अफ्रीकन संस्कृति को अपराधिक माना गया, दफना दिया गया पूरे 300 सालों तक। आजाद होने का पहला मौका मिलते ही इसने खुद को व्यक्त किया और अपनी जगह वापस लौट आया, और देखते ही देखते कैरिबियन में इस संस्कृति की जैसे बहार आ गई। बॉब मार्ली, विलर्स और जिमी क्लिफ जैसे लोग इस आक्रामक बदलाव की ताकत बनकर सामने आए और उन्होंने इसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट की सफलता के साथ जोड़ दिया। अविश्वसनीय। वो हमें हीरो मानते थे, मगर मेरे लिए वो लोग थे हीरो। बॉब मार्ली ड्रेसिंग रूम में आकर कहते हैं कि आपको जीतना ही है। ठीक है क्रॉफ्ट, हमें जल्दी से इन लोगों को आउट करना है। बेमिसाल। ऐसा लगता है कि वो वक्त हमारी जिंदगी का सबसे फायदेमंद वक्त था। शर्मिंदा होने की जगह उन्होंने शेखी पगारना शुरू कर दिया। वो अपने झंडे फहरा सकते थे और कहते थे कि हमारे हीरोज ने हमें अच्छा बना दिया। ये सारी धुनें बहुत जान डाल देती थी, विद्रोह का बिगुल बजा देती थी। उठ खड़े हो, मैं कहता हूँ ये कोई गुनाह नहीं है। ये वो बातें हैं जिनमें आपका यकीन है। आप चलते रहते हैं जब तक ये नहीं लगता कि आपके दिमाग में संगीत पूरी तरह छप गया है, लड़ाई के मैदान का संगीत। मैं विव रिचर्ड्स को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ उन्हें देख सकता हूँ। उनके दिल में जमैका के रिवाज और संस्कृति बसे हैं। वो सच्चे जमैकन थे। वो एक जमैकन धर्मी थे, मगर बहुत लोग नहीं जानते कि उनसे जो मिला उसका बॉब माली से भी लेना देना है। उन्होंने खुद को हमेशा विरोध करने वालों की संगत में पाया। अगर वो क्रिकेट में नहीं आए होते तो फिर वो घुंघराले बालों वाले गायक होते, बॉब मार्ली की तरह। ये हुई ना बात। विव दरअसल कैरिबियन के लोगों के बड़े लाडले थे। वो सही मायनों में क्लाइव लॉयड की सोच का विस्तार थे, जो इसे आगे एक रूहानी सोच के एहसास की ओर ले गए। विव धीरे धीरे पहचान बनाते जा रहे थे उन लोगों की जो कहलाते थे अफ्रीकन। यहाँ तक जो आर्मबैंड वो पहनते थे उसमें भी अफ्रीकन रंग नजर आते थे। हरा इस जमीन के लिए, पीला उस सोने के लिए जो बाहर ले जाया गया या कहीं लूटा गया, लाल उस खून के लिए जो बहाया गया था। ये था इन सारे रंगों का मतलब। Dem a come, dem a come, natty dreadlocks when I run. Never, never. Dem a come, natty dreadlocks when I run. Oh no. लोगों के दिल में अफ्रीका की आजादी की लड़ाई के लिए हमदर्दी थी, चाहे वो मोजाम्बिक हो, जिम्बाब्वे हो या फिर साउथ अफ्रीका हो। लड़ाई रंगभेद के खिलाफ थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ, बहुत हद तक कैरिबियन में हो रहे संघर्ष का हिस्सा भी थी।
अफ्रीका में मुश्किलें झेल रहे लोगों के साथ आप खुद को बड़ी गंभीरता से जुड़ा हुआ पाते थे। ये अमानवीय अन्याय कई सालों से चला आ रहा था। ये वाकई बहुत डरावना था। काले लोगों को निर्ममता से गोली मारी जा रही थी, खास तौर पर अश्वेतों पर अल्शिशियन कुत्ते छोड़े जा रहे थे ताकि वो लोग काबू में रहें। ये सब देखकर कैरेबियन वासियों की आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। सबको हमेशा लगता था कि हम उनकी मदद के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ गानों या संस्कृति के इजहार में नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में भी। साउथ अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाकर 17 वेस्ट इंडीज खिलाड़ी एक ऐसे देश में खेलने जा रहे हैं जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रतिबंधित किया गया है उनके रंगभेद नीतियों की वजह से। हमारे कुछ खिलाड़ियों को जनता की नफरत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने प्रतिबंध को नहीं माना और साउथ अफ्रीका खेलने गए। साउथ अफ्रीका को चर्चा में आने का मौका मिल गया। ये सच है कि वो लोग अश्वेत हैं और शायद इसकी वजह से साउथ अफ्रीकन हुकूमत कुछ विश्वसनीयता बटोर लेगी। ज्यादातर कैरेबियन लोगों को लगा सदमा। आप ऐसी हुकूमत का साथ कैसे दे सकते हैं? जैसा कि गैरी पेकर ने कहा है, हर आदमी की कीमत होती है। पैसा सभी का भगवान है। ईमानदारी की बात है, आपको जिंदगी भी चलानी है। माना जाता है कि इस टीम ने कॉलिन क्राफ्ट को लुभाने के लिए करार किया था पूरे 70,000 पाउंड का। भूतपूर्व जमैकन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बागी खिलाड़ी भाड़े के टट्टू हैं। मैं भाड़े का टट्टू हूँ? जब मैं वर्ल्ड सीरीज खेलने गया तब मैं भाड़े का टट्टू नहीं था। मुझे शायद ये फर्क समझ नहीं आया। मेरे लिए ये खेल नहीं है, मेरे लिए रोजगार है, मेरी नौकरी है। हम जानना चाहते थे कि और कौन जा रहा है, आखिर वो किसके पीछे है। हर आदमी की एक कीमत होती है और उसका व्यवहार निश्चित करता है कि इतिहास उसे क्या दर्जा देगा। ये एक ब्लैंक चेक था। मुझे उस वक्त की अपनी कीमत भरनी थी। अगर मैंने तब साइन कर दिया होता तो मुझे लगता है कि हमारा पलायन हो जाता। मैं सोचता हूँ कि वेस्टइंडीज टीम उस खास वक्त पर बिखर जाती। मुझे लगा अब अगुवाई करने का वक्त है। मैं साउथ अफ्रीका की रंगभेदी हुकूमत में नहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा दाम नहीं चुका सकते। विव रिचर्ड्स की कुर्बानी में बहादुरी थी। मुझे मोहम्मद अली और विव रिचर्ड्स में एक संजीदा रिश्ता नजर आता है। एक ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मेडल ठुकरा दिया और दूसरे ने अन्यायी समाज से मिल रहा लाखों डॉलर का चेक लौटा दिया। कुछ और चीजें पेश की गई थी। आपका सम्मान श्वेत व्यक्तियों जैसा होगा। कोई अश्वेत आदमी किस तरह से सम्माननीय श्वेत बन सकता है? मेरी चमड़ी के रंग में क्या बुराई है, क्या गलत है मेरी नस्ल में? किसी को मुझे ये बताने की क्यों जरूरत है कि मैं भी सामान्य बन सकता हूँ उससे हटके जो मैं हूँ। ये लोग बिक गए। इन्होंने स्वीकार कर ली वो पदवी जो कालों को बनाती थी सामान्य अंग्रेज। पैसा मिलने पर वो पाओ में बेड़ियां भी खुशी खुशी पहन लेते। मुझे बहुत आघात पहुंचा। वो बागी क्रिकेटर हमारे पुरखों की नाराजगी जमीन पर बुला रहे थे और वो अफ्रीकन आत्माओं के श्राप को जमीन पर बुला रहे थे क्योंकि उन्होंने अफ्रीकन बागियों और अफ्रीका की आजादी के साथ दगाबाजी की थी। साउथ अफ्रीका में मेरे साथ एक वाकया हुआ। मुझे ट्रेन के डिब्बे से उतरने के लिए कहा गया क्योंकि ये सिर्फ श्वेत लोगों के लिए था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत सारे लोग कहेंगे मैंने करीबियन लोगों को शर्मिंदा किया। अब मुझे सब कुछ मंजूर है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट अथॉरिटीज ने अपने उन खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार को नहीं माना और साउथ अफ्रीका खेलने गए। वो तबाह हो गए, उनके करियर की चमक फीकी पड़ गई, उनकी इज्जत पूरी तरह क्या कहूँ मिट्टी में मिल गई थी। कैरिबियन लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, अपने नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया। आम तौर पर उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ देह हो गई। बहुतों की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। कुछ लोग तो एकदम बिगड़ गए, कोकेन और दूसरी नशीली दवाओं के गुलाम बन गए थे। मैंने सुना है कि वापस आए कुछ खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव भी किया गया। मैंने ये भी सुना कि बुरे वक्त में कुछ खिलाड़ी टूट भी गए। जब मैं साउथ अफ्रीका से वापस आया तो मैं वेस्टइंडीज नहीं आया, मैं गया फ्लोरिडा। बुरा लगता है कि आप नहीं हैं उस टीम में। सड़क पर अपना सर ऊंचा करके चलने के लायक नहीं है। जो करोड़पति होने से ज्यादा बेहतर था, सोने चांदी से बेहतर था। ये लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे इसके बावजूद कि इन्होंने जिंदगी में क्या फैसले किए। मैं किसी के बारे में फैसला करने वाला कौन होता हूँ? न्याय तो जनता करेगी। मैं डेसमंड टूटू से मिला जिन्होंने कहा उस वक्त वेस्टइंडीज ने जो किया उसकी नेल्सन मंडेला ने भी तारीफ की।
रंगभेदी सरकार का हौसला गिराने और सताए हुए हमारे भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मैं भी पिघल गया था। वो जानते थे कि हम कौन हैं और उन्हें ठीक से पता था कि हमने क्या रोल निभाया है। हम इस तारीफ से खुश थे। जब दो जहद चलती रहती है तब भी जब आप उतना जीत रहे हो जिसके आप लायक हो, मगर आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। ये वो वक्त होता है जब चीजों के बुरे पहलू और नस्लवाद आपको पकड़ सकता है, और वो भी तब जब आप तैयार ना हो। अब आप मार खाना बंद कर चुके हैं और मारने लगे हैं, और अचानक लोगों को उससे दिक्कत होने लगती है। चाहे तहजीब हो, राजनीति हो या क्रिकेट हो, जब भी काले लोगों को कामयाबी मिलती थी तो लोग उन्हें नीचा दिखाने में जुट जाते थे। इंग्लिश प्रेस ने हमेशा से बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हम ही जानते हैं कि हमने इंग्लिश प्रेस द्वारा बनाए गए दबाव का किस तरह सामना किया। मैं निंदा करता हूं। इस तरह की क्रिकेट बकवास है। ऐसा लगता है मानो आप नारियल से पिट्ठू खेल रहे हैं। खिलाड़ियों को लगा कि आलोचना का स्तर बहुत हद तक नस्लवाद से भरा था। क्योंकि वो आपको हरा नहीं सकते, इसीलिए रंग भेद करते थे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि कामयाबी का ये सफर इतना लंबा चलेगा। उन्होंने सोचा होगा एक दो साल में ये लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं। वो चाहते थे पुरानी वेस्ट इंडीज जो बार बार हारे और दिल बहलाए। जब ये बदल गया तो कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये सुरक्षा कवच चाहिए। खेल का नाम होना चाहिए अपनी जान बचाओ। हमारे सर कभी सेहरा नहीं बना। ऐसा लगा जैसे हमारी जीत पूरी तरह से डराने की वजह से थी। उन दूसरी बातों पर मुझे गुस्सा आता है। जिन लोगों के पास तेज गेंदबाज नहीं थे वो हमारी बुराई कर रहे थे। ये हवा में जिमी एडम्स की मौका है और ये कैच आउट। किसी को खुद को उल्लू मत बनाने दो। हर कोई तेज गेंदबाज चाहता है हमारी तरह। हर कोई। ये जलन थी जो बहुत आगे बढ़ गई थी। ऊंचे ओहदों पर बैठे अंग्रेजों ने हमें रोकना शुरू किया। गेंद कैसे फेंकनी है इसके लिए नए कायदे और पाबंदियां आ गईं। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। उन्होंने वेस्ट इंडीज की कामयाबी का गला घोंटने की हर कोशिश की। हर बार उन्हें लगा कि वो हमें मार देंगे। 1984 के इंग्लैंड दौरे में हम पैगाम देना चाहते थे कि जब हमें चोट लगती है तो हम जवाब भी देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ रणनीति, जो खेल हमने शुरू किया था, उसे खत्म भी हम ही करेंगे। हमें जीत दोहरानी थी और साबित करना था कि पहली जीत नहीं थी कोई तुक्का। गर्मियों का ऐसा मौसम, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ये मैच अब कुछ ही देर में शुरू होगा। इंग्लैंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति। इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उस दौर में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी। फिर वही आग उगलती इशारेबाजी। वो मुकाबला कर सकते थे, दबाव बहुत ज्यादा था। अंग्रेज सोच रहे थे कि हमें हराने का ये सबसे अच्छा मौका है। हालत ये थी कि पहला वार कौन करेगा। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट। वाह क्या जबरदस्त शॉट है। फिर वही आग उगलती इशारेबाजी। लॉर्ड्स में उस टेस्ट मैच में वो बुलंदी पर थे। वेस्ट इंडीज अब घिरी है परेशानी में। मुझे याद है मैं सोच रहा था क्या हम ये मैच जीत पाएंगे। आग का सामना, मेरे ऊपर दबाव था। क्या आज मेरा दिन है? सारी बातें उन तकलीफ देह सालों के साथ चली गई थीं। अब आपको खेल कर दिखाना था। बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक। Thank you.
है। वेस्ट इंडीज के दर्शक मदहोश हो गए हैं। जब गॉर्डन अपने रंग में होते थे तो बस देखने लायक होते थे, और उस दिन लॉर्ड्स में लग रहा था जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो कमाल की फॉर्म में थे, मैदान के हर कोने में चौके छक्के उड़ा रहे थे। जब वो पवेलियन लौटे तो मैं तालियां बजा रहा था। 214 नॉट आउट, और जो काम बड़ा मुश्किल लग रहा था वो एकदम आसान हो गया। शायद ये वो लम्हा था जब हमें महसूस हुआ कि चाहे जो भी हो हम उबर गए हैं। हम लड़ाके थे, हमें याद नहीं था कि हम कब हारे थे, हमें कुछ भी डरा नहीं सकता था। और उसी जोश से उभर कर आया एक नौजवान जिसका नाम था मैल्कम मार्शल। जैसे ही मैल्कम मार्शल मैदान पर गया, आप समझ जाते थे कि अब कुछ ना कुछ मिलेगा। मैल्कम के अंदर प्रतिभा जैसे बहती थी। गेंदबाजी का भविष्य सामने आ गया था, और वो था मैल्कम। मैल्कम मार्शल डबल फ्रैक्चर के दर्द में। उसका हाथ टूट गया, प्लास्टर लग गया। मैंने कहा, तुम्हें लगता है तुम इसके साथ खेल लोगे? वो बोला, अगर तुम कहते हो तो खेल लूंगा। उसे प्लास्टर के साथ खेलते हुए देखना, मुझे लगता है इसने उसे मानव से दैत्य बना दिया। ये वो आदमी था जो जानलेवा दर्द के बावजूद दौड़ रहा था, रोशनी की रफ्तार से गेंद फेंक रहा था, फिर बल्लेबाजी करने गया और उसने हमें मैच जिता दिया। इससे इस टीम का जोश पता चलता है। जो पैगाम हमने भेजा था उसमें बहुत ताकत थी। इसका यकीन करने के लिए उन्हें चश्मे की जरूरत है। गेंदबाज सिर्फ विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो विरोधी की विकेट लेने की कोशिश कर रहा था। रेडियो पर सुन रहा आदमी भी जोश में भरा हुआ था, अब इसका विकेट लेना ही पड़ेगा। और मैंने ये होते हुए देखा है सच में। हेल इस बाउंसर था, ये एक बहुत अच्छी बाउंसर थी। आउट है, आउट है, आउट है। How was that? उसने गेंद इतनी तेजी से फेंकी कि स्टंप कलाबाजियां खा रहा था। ऐसा लगा खेल खत्म, शोर शराबा शुरू। ये मजेदार नहीं था, मैं बता सकता हूँ। अंग्रेज बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। सब लोग मिलकर एक हो गए थे, लोगों ने इस तरह की कुव्वत अपने अंदर पैदा कर ली थी। आपने जो देखा बहुत निर्दयी था, और खेल खत्म करने के लिए यही चाहिए। चौथे टेस्ट के बाद हम 4-0 से आगे थे। हमने असली क्रिकेट कभी नहीं खेली थी, कम से कम उन टीम्स ने तो नहीं जिनमें मैं खेला था। हम उन्हें शर्मिंदा कर रहे थे एक भी टेस्ट ना हार कर। हमने उन्हें रेंगने पर मजबूर कर दिया था। लोगों को लग रहा था कि हमारा इरादा है 5-0। लहर शुरू होती है, वो पागल हो गया। हम जीत गए थे और मैं झंडे को लेकर ऐसे भाग रहा था। सब पागल हो गए, आप बात कर रहे हैं बहुत सारी ऊर्जा की। मैं हमारे आइलैंड्स में हो रहे शोर की कल्पना कर सकता हूँ। मैं वो जुनून महसूस कर सकता हूँ जो लोगों ने महसूस किया। और ये बॉटम आउट हो गए। इन सभी के पास एक खास पैगाम था। मैं सोचता हूँ हम सब यहाँ बराबर हैं। बेबीलोन किसी जगह का नाम नहीं है, ये एक परंपरा है जो बहुत गलत है। तुम्हें तुम्हारे रंग की वजह से अच्छा दर्जा नहीं मिलता है। इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है, ये बेबीलोन है। अंग्रेजों को ये पहचानने में परेशानी हो रही थी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कहां से कहां ले गई, लेकिन वो इसे पसंद करने लगे थे। ये खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला था, ये खेल में मान्यताएं लाने वाला था। इसे कहते हैं दो संस्कृतियों का मधुर मिलन। अपने लिए जिए तो बेकार जिए, दूसरों के लिए जिए आप हमेशा जियोगे। बात समझ में आई? हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हासिल किया, वो हमारा हिस्सा थे। हम उन लोगों में बहुत ताकत ला पाए, लोग जो जद्दोजहद में थे। जब हमने इंग्लैंड को हराया, उनको सीरीज के हर टेस्ट में हराया, तो वो हमारी जिल्लत का बदला था, और क्रिकेट शक्ति के तौर पर हमारा आगाज था। यहाँ तक कि अब लोग व्हाइट वॉश की जगह ब्लैक वॉश कहने लगे थे। काला खूबसूरत है, काला चमकीला है। ये मेरे लिए हर उस बात का निचोड़ था जो हमने बयान की। बहादुरी, कामयाबी की चाहत, एक सच्चा वेस्ट इंडियन एहसास। हमें बहुत कुछ पार करके आगे आना था, हमने शिकायत नहीं की, और आज हम यहाँ हैं। खेल के इतिहास में
दुनिया की सबसे महान टीम। उन लोगों के साथ होना जिनके लिए आपके दिल में बहुत इज्जत है। Encoded by Dr. Star.